फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों, हमने पिछले दिनों फुटबॉल लिली प्लांट के बारे में वीडियो बनाई थी। उस टाइम हमने केयर और उसके फ्लावर की आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, पर आज जो हम वीडियो पर बात करने वाले हैं वो फुटबॉल लिली के सीड के ऊपर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, वैसे ये प्लांट है वो बल्ब से ग्रो होता है और हमारे यहाँ ऐसा पहली बार ही हुआ है कि इस प्लांट में सीड लगे हैं। और पिछले साल भी ये इसमें फ्लावर लगे थे पर सीड इसमें नहीं लगे थे, तो आज हम इसके सीड के ऊपर ही बात करने वाले हैं। वैसे फ्लावर जाने के बाद इसमें से सीड लगते हैं पर पिछले साल नहीं लगे थे, पर ऐसी घटनाएं है वो कभी कभी ही होती है। बहुत ही कम समय ऐसा होता है कि इसमें सीड है वो बनते हैं। वैसे अभी ये तकरीबन 15-20 दिनों से ही इस तरह से ही है, सीड छोटे है, पर ये कुछ समय में ब्राउन कलर के भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद पकने से हमें इसके सीड है वो हार्वेस्टिंग करने होते हैं। और इसकी स्टेम भी आप देख सकते हो कि अभी सूखी नहीं है। अदरवाइज़ ये भी होता है कि फ्लावर जाने के बाद इसकी स्टेम है वो सूख जाती है, पर असल में ये है कि इसके सीड है वो इस स्टेम से ही अपनी खुराक बनाते हैं। पर ये अच्छे सीड बनने में तकरीबन एक आध मंथ का समय ज़रूर ले लेगा, क्योंकि अभी ये मैंने भी फर्स्ट टाइम ही इसके सीड है वो देखे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो बताया था वो केयर और इसके फ्लावरिंग के बारे में बताया था, वो वीडियो देखना चाहो दोस्तों तो आप एंड स्क्रीन में ज़रूर ही देख सकते हो। तो ये जैसे ही मैच्योर हो जाएगी इसके सीड तो हम कलेक्ट कर लेंगे। और मैंने सोचा कि ये बात आपसे क्यों ना शेयर की जाए। दोस्तों, इसमें तकरीबन 3 के करीब इसमें सीड है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और अभी बन ही रहे हैं। तो ज़्यादातर तो ये बल्ब से ही हम इसे ग्रो करते हैं और एक बल्ब से दोस्तों अनेक प्लांट है वो तैयार हो जाते हैं। मैंने भी ये ऑनलाइन ही परचेस किया था फर्स्ट टाइम में, जो जब मैंने ये प्लांट लिया था तो इसमें बल्ब भी बने हैं और थोड़े प्लांट भी मैंने इसमें से दूसरी जगह रिपोर्टिंग कर दिए थे, तो अभी अच्छी तरह से सर्वे हो जा रहे हैं। पर इसमें अभी अच्छी तरह फ्लावरिंग नहीं बने हैं, तो ये तो मैच्योर प्लांट है थोड़ा पुराना वाला। बाकी जो जो भी मैंने न्यू कलेक्ट किए हैं उसमें अभी इतने प्लांट नहीं बने हैं। पर सीड का नज़ारा बहुत ही अच्छा मुझे फर्स्ट टाइम ये लगा कि इसमें से सीड इतनी अच्छी तरह से बन जाते हैं। पर ये सीड मैं कलेक्ट करके आने वाले दिनों में ज़रूर ही ग्रो करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो अभी तो ये पूरा हरा भरा है क्योंकि इसमें से अभी खुराक बन रही है सीड के लिए, तो ब्रांच भी हरी भरी है। तो आशा रखता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ऐसी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।